सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल को और ये बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। आप सभी का मेरे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए नीट एग्ज़ाम के स्टडी मटेरियल और नीट के लिए जो बुक्स यूजफुल हैं वो बताऊँगी। आई होप टू हेल्प यू टेक द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अपने नीट के पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नीट की कैसे तैयारी करें इसके बारे में कुछ टिप्स दी थी, नीट एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें इसके बारे में जानकारी दी थी और नीट एग्ज़ाम क्या है ये भी बताया था। अब मैं आपको नीट एग्ज़ाम के स्टडी मटेरियल और इम्पोर्टेंट बुक्स बताऊँगी। नीट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बुक्स हमेशा बहुत ज़रूरी होती हैं और यहाँ पर नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और बहुत सारे बुक्स भी अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो इस प्रकार हैं। नीट एग्ज़ाम के लिए NCERT की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पब्लिकेशन की 20 ईयर्स चैप्टर वाइज सॉल्यूशन फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नीट UG कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मास्टर गाइड बाई आर गुप्ता की बुक, SC वर्मा की फिजिक्स कम्प्लीट नीट गाइड फॉर बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाई MTG, न्यू पैटर्न केमिस्ट्री बाई RK गुप्ता एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और JD ली की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दिनेश की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की बुक बहुत यूज़फुल है। ट्रूमैन की एलिमेंट्री बायोलॉजी की Volume 1 और Volume 2 की बुक। की प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की और भी बुक्स हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी, आप उसे वहाँ से देख लीजिए। इसके लिए आपको दिशा पब्लिकेशन की बुक्स और दिनेश पब्लिकेशन की और अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं बहुत यूज़फुल रहेंगी। एग्ज़ाम के लिए आपको NCERT की बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको जो पुराने पेपर्स होते हैं उसकी तैयारी अच्छे से करनी है। फ्रेंड्स, ये थी नीट एग्ज़ाम की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। अब आप आसानी से नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मटेरियल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।